जी ने कहा कि गुजरी कहे नाम का निधन जीवे दिल के दरिया पीछे चलना न जीवे, गुजरी कहे नाम का भी माने पल्लू न भी जा उतरी हवा ने, गुजरी कहे नाम का कहा पंडित गया पुण्य मारे रहा। कल की दिल की दरिया के बीच में नाम की नौका चलाओ तो बाहर भी चलना कठिन नहीं होगा। उसको समझ में आई कि आज तक मैं कथा कर रहा था, नाम जप रहा था, निश्चय नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन इस गुजरी को एक दिन में हो गया कि ये पानी पर चल कर पार कर गई। ऐसे जीव इस भवसागर से पार होते हैं। तो बाबा जी वाणी में लिखते हैं कि निश्चय पर गुजरी दिनी बेड़े पारे पंडित के दिल दुई थी गुरुवारे गरीबारे। जब तक दुई भाव रहेगा दुई भाव रहेगा सबसे उसने मौका पाकर और अपनी भारी सेना लेकर उसके राज पर चढ़ा।
बिजली की तरह है, आकाश की बिजली चमकाई थोड़ी देर दिखी फिर लुप्त हो जाती है, बहुत ज्यादा चंचल है, कुछ भी पूजा पाठ कुछ कर रहे हो बीच में संशय खड़े कर देता है, निश्चय नहीं हो पाता है। ये मन है क्या, ये कैसे बना, ये आया कहां से और वश में कैसे होगा? ये सारे प्रमाण संपूर्ण वाणी में लिखे हैं कि ये मन फूटा ब्रह्म से। कहते हैं मन कहां से आया है, ये परमात्मा से निकला है, ये मन फूटा ब्रह्म से, बोर मिलाने बाग ऐसे मन में वासना जैसे चकमक आग। ये जो मन है ये परमात्मा से निकला है, परमात्मा का जो पहला संकल्प हमें सृष्टि रचू वहीं से मन बना, इसलिए मन को हम संकल्प विकल्प कहते हैं। लेकिन संसार में आकर ये वासनाओं से भर गया और वापिस जाकर अपने स्वरूप से मिल नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म की वासना हुई इकट्ठी, कान निर्मल कैसे होएगा, संकुल लगे ना कान। कहते हैं हैं।
नहीं बैठे, घूमने लगे, फिर चिताए गए, फिर चाली महाराज इस पर बैठ गए, फिर भी नहीं बैठे, फिर कुर्सी डाल उस पर नहीं बैठे, न कीर्ति मेल पर बैठे। जब फकीर को उनके द्रौपदी ने बुला कर लाई, मैंने पता नहीं राजा कैसे, कई बार बैठने के लिए कहा लेकिन बैठा ही नहीं, मेल पर घूमने लगे, ना मेल पर बैठे, ना कुर्सी पर, ना चारपाई पर, ना चटाई पर। फकीर हंसने लगे, कह लगे इसके बैठने योग्य जगह यहाँ पर है नहीं, राजा तो राज महलों में रहते, गलियों पर बैठे, वो है नहीं, इसलिए बैठेंगे नहीं। कह लगे महाराज मैं कुछ समझी नहीं, तो फकीर कह लगे ये मन भी राजा है, इस संसार में इसके बैठने योग्य कोई जगह है नहीं, इसलिए बैठेगा नहीं, बैठने योग्य स्थान नहीं है। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक ये मन चंचल ही रहेगा, बैठेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा इसके बैठने योग्य जगह है। तो ये अच्छी बात है कि मन कहीं किसी वस्तु में रुक नहीं जाता, बैठ नहीं जाता है, इसकी जो चंचलता है, जो इसकी गलती है, यही धीरे धीरे परमात्मा तक ले जाएगी, गलती करते करते, और फिर ये इसका तो बैठने योग्य स्थान वो परमात्मा है, उससे पहले मन बैठ ही नहीं रहा। और आप सबकी दुविधा यही है, मन कहीं नहीं रुकता, अच्छी बात है कहीं ना रुके, लेकिन परमात्मा का नाम सुमरण करो उस पर रुकने लग जाएगा। आप कहते हैं बैठने के ध्यान में, फिर पता नहीं कहाँ क्या रच लेता है, कहाँ से निकल कर भाग जाता है, बैठे ध्यान में कहीं और ही रचना रच रहा होता है। संत महापुरुष यही तो इसको काम दे रहे हैं नाम सुमरण, कि बैठे इस पर लगाओ तब ये रुकेगा। कैसे, एक बार एक सेठ को नौकर की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास बड़े बड़े गोदाम दुकानें थी, बड़ा महल था, तो बिल्कुल समाज नौकर की जरूरत थी। तो किसी नौकर को पता चला, वो सेठ के पास सुबह सुबह जाकर कहने लगे, सेठ जी मुझे नौकर रख लो। कहने लगे क्या काम करेगा, कि कुछ भी करवा दो। कहने लगे काम होता है पास, कहने लगे कुछ भी करो। ध्यान कितनी होगी तनख्वाह, कहने लगे तनख्वाह की क्या जरूरत है, मैं तो आपका फ्री
बहुत चंचल है, इसको बस में करना कठिन होता है, लेकिन जो भक्ति करने लगे नाम का चुमन वो मन बस में होने लग जाता है। तो इसलिए मीरा बाई कहती है, राम नाम रस पीजे मनवा, तू राम नाम रस पीजे, तजे कुशल सत्संग बैठ निंदे हरि चर्चा सुन लीजे, काम क्रोध मदे लोभ मोह को चित से सदा पा दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नावर ताई के संग में पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। कहते हैं तूने संसार के विषय में कहा
आप करोड़ों
मीरा कहती है गिनने हैं तो परमात्मा के दिन गिनो, माला गिनो उसके नाम की कि सांवरिया कब आएगा। फिर मीरा कहती है याद दिलाती परमात्मा को कि मैं चोंचे कटाओ पपैया रे तेरी ऊपर ला।
और गुरु महाराज को भी बहुत प्रेम था, आश्रम की बहुत सारी व्यवस्था वो देखते थे, बुल्ला से पेट भी बहुत था, पास रखते थे, पास खाता पीता सोता। एक दिन प्रचार के लिए निकला बुल्ला, अरे उसके बालो जागो, क्यों गर्म कान में फंसे हुए हो, दाई के हाथ से माई के हाथों में आओ। जब व्यक्ति पैदा होता है ना, सबसे पहले किसके हाथ में आता है, दाई के हाथ में। लेकिन दाई तो बुल्ला कहने लगे, मेरे दिल से भी
सारा आश्रम सोया हुआ है, चांद निकला है आकाश में, चांद को देखने लगे और चांद चक्कर में आ गया था।
मेरी चरण पकड़ लिए। जब रोता था तो गुरु की गोद में सिर रख के रोता था, तुरंत सोचा खुश है, कहने लगे भुल्ला मैं तेरे से खफा नहीं हूँ, चिंता में उसको मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, तेरे को चिंताना चाहता हूँ। तो भुल्ला कहने लगे, मुंह की तरफ देख रहे हैं और चरण पकड़े हुए हैं, गुरु की गोद में सिर रख दिया, हो सारे मार्ग का भी पता है और हमें कल्याण के मार्ग भी प्रशस्त करने
और हम भी एक दिन अपने बीज रूप उस परमात्मा स्वरूप को जाने। तो इसलिए समय होता है ऐसे ऐसे महापुरुष गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा प्रेम और समर्पण होना चाहिए। उसी में हमें कुछ मिल सकता है, बिना श्रद्धा के समर्पण के कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से कितने सैकड़ों बादल बरसते हैं, अगर मटका बूंदा रखा है तो एक भी बूंद पानी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी वर्षा हो अगर मटका सीधा है तो सारी बूंद उसमें गिरेगी। तो अपने हृदय के पात्र को सीधा रखें, जो भी गुरु महाराज का आदेश है उनकी आज्ञा है उसमें चलोगे तो बहुत आप भी प्रसन्न रहोगे, सदगुरु भी प्रसन्न, और सदगुरु प्रसन्न है तो परमात्मा आपकी प्रसन्न है। इसलिए गुरु आज्ञा परमात्मा की आज्ञा होती है। तो कहते हैं जो सतगुरु सत ईर्षा करी रो 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 नरक कोट जुग परी, कभी भी गुरु की निंदा गुरु की अवहेलना गुरु का तिरस्कार गुरु से झूठ गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु के संग थोड़ी सी भी अगर मन में ईर्ष्या भाव आ जाता है, तुलसी बाबा कहते हैं कि वो व्यक्ति सैकड़ों कोट वर्ष तक रो रो नरक में जाकर गिरता, जो जीव को बहुत यातनाएं मिलती हैं, फिर वहां से आगे त्रिय योनियों में अकीट पतंग अजगर घोड़ा गधा कुत्ता बनता है। जितना हो सके संसार में जो है साधारण पुरुषों में हम प्रेम करते हैं, लेकिन सदगुरु का जो प्रेम है वो स्वार्थ का नहीं, हृदय से और निस्वार्थ प्रेम होता है, वो आत्मा से जुड़ा होता है। तो इसलिए हमारा कल्याण तभी होगा जब हम बड़ी श्रद्धा से विश्वास से और समर्पण भाव से गुरु के चरणों में जुड़े रहें, उनकी आज्ञा में चलते रहें। तो मुझे बड़ी खुशी है कि छावला में तो गुरु जी ने यहाँ पहले आसन बनाए, यहाँ पर 10-11 वर्ष तक यहाँ पर रहे और बड़ा आपको भक्ति का प्रेम का ज्ञान का अमृत भी पिलाते रहे। फिर से वो समय आ गया आपकी श्रद्धा भक्ति प्रेम आपकी पुकार ने दोबारा से गुरु जी को यहाँ पर बुला लिया, और आशा है इसी तरह गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि यहाँ पर बनाए रहे, क्योंकि आपके अंदर बहुत श्रद्धा है, आपने सेवा बहुत की है। गुरु जी स्वयं अपने पुकार में इनसे प्रशंसा करते हैं कि छावला में हर भक्त में छोटे से लेकर बड़े तक, स्त्री हैं पुरुष हैं बच्चे हैं बड़े हैं, सबके अंदर बहुत श्रद्धा है प्रेम है सेवा भावना बहुत है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि उसी मार्ग पर आप चलते रहें, सेवा समर्पण और सत्संग के मार्ग पर, तो कल्याण का रास्ता जो बहुत दूर नहीं है पास ही है। तो समय ज़्यादा हो गया, मैं इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, और मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि बड़ा सुंदर आयोजन किया है, बड़ा सुंदर प्रबंध किया है। प्रातः आदरणीय श्री मेहताब जी सोगी और माता उनकी धर्मपत्नी कांता देवी के शुभ संकल्प से और उनके सारे परिवार के संकल्प से, उनके सुपुत्र हैं श्री संजय कुमार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम
कई भक्त हैं जिनका बहुत प्रिय प्रयास था, और आपको पता हो कि एक महीने से आपके गांव के ही परम भगत आदरणीय हमारे अंकल राजेंद्र जी गुरु जी के चरणों में मुंह दे लेते हैं कि गुरु जी कुछ भी हो जाए एक बार हमें दोबारा से मौका मिले उस गांव में हमारी संगत को फिर से हरा भरा करो और आप चलकर वहां पर दर्शन दो और प्रोग्राम करो। तो इनकी प्रार्थना सदगुरु ने स्वीकार की, तो इनको श्रेय बहुत ज्यादा जाता है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मेरे सामने की बात है, एक दिन बैठ कर इनकी आंखों में आंसू भी थे कि देखो कैसे कैसे हमारे गाँव में रंग लगते थे गुरु जी, हम समझ नहीं पाए कि एक साक्षात परमात्मा गुरु के रूप में हमारे बीच में रह रहे थे। फिर से वो मौका हमें सदगुरु दे, फिर उसी और भी ज्यादा चाव से प्रेम से भक्ति से हम सेवा करें। तो इनकी पुकार इनकी अरदास प्रार्थना गुरु जी ने स्वीकार की, और उसके पीछे आप सबकी अरदास थी, आपकी भावना थी। तो इसलिए गुरु